हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जिस प्रकार से आप सब सेवा दे रही हैं और जिस प्रकार से आपने ये लहर, ये जागृति, ये जादू, ये मैजिक चला दिया है ब्रह्म वेले ब्रह्म मुहूर्त का अद्वितीय, ऐसे सारा का सारा ब्रह्मांड आशीर्वाद दे रहा है। जो भी थोड़ा सा यत्न कर रहा है, देख रही हूं उसके चक्रास, उसकी शक्ति बदलती चली जा रही है। शुक्राना गुरुदेव, हमें ये मार्ग दिखाने के लिए शुक्राना। अब तो हमारे भारत की पुरानी परंपरा जो शक्ति से भरी हुई थी, उसका झंडा लहराएगा घर घर में। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर एक उम्र का इंसान जल्दी उठेगा और भारत की ये पद्धति को देख पूरा का पूरा संसार इसको फॉलो करेगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रबल पुण्य का उदय हुआ, प्रबल पुण्य का उदय हुआ, जो नर्तन हमने पाया। मात के गर्भ में आकर हमने कितना कष्ट उठाया। मात के गर्भ में आके हमने कितना कष्ट उठाया। फिर नहीं धारण गर्भ करूंगा, रोया और अकुलाया। फिर न धारण गर्भ करूंगा, रोया और अकुलाया। जन्म लिया तो मोहपाश में, जन्म लिया तो मोहपाश में, अपना वचन भुलाया। भूल गए 9 महीने उल्टे लटक कर क्या वचन लिया था। जैसे ही अन्न गया धरती का, सारी बुद्धि मन के नीचे दबके रह गई। मन पर गुरु आया है अमृत वेले सजाने। और देखिए आपने क्या कमाल कर दिया। अभी जब भजन चल रहा था, कुछ कुछ बदल रहा है, ये जीवन संवर रहा है। इसको दिल पर हाथ रख के गाया करो, फिर चेक करा करो आज दिन में हम कितने बदले। क्या मैं कल जैसा हूं, क्या मैं सुबह जैसा हूं? अब स्वयं का चौकीदार खुद बनना है। कोई हमारी चेकिंग करे ना करे, जो भी हमारी चेकिंग कर रहा है, जो भी हमारे साथ कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये तो हमने स्क्रिप्ट दी हुई है। उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, ज्यादा समय इस बात पे लगाना है मेरे भीतर कोई भी प्रकार का डस्ट, कोई भी प्रकार की शिकायत, कोई भी प्रकार का पछतावा तो नहीं आ गया। और अगर उससे खाली होना है और जल्द खाली होना है, ये जीवन जाने से पहले मोक्ष जीते जी प्राप्त करना है, तो अमृत वेले से बढ़कर आसान मार्ग और कोई नहीं। दैट इज द इजीएस्ट वे, क्योंकि उस समय आप पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति से ऐसे जुड़े होते और कर्मों से मुक्त होना उस समय बहुत आसान है। और हम सब शेयरिंग्स में देख ही रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर शेयरिंग आ रही। सबसे ज्यादा मजा सबको साधना में योग निंद्रा में आया, पता लग गया। सब कह रहे हैं रोज योग निंद्रा कराओ, अरे क्या कमाल की नींद आई। वो जो हम हर वक्त सो रहे हैं उससे जगाने की निंद्रा है वो। सपनों की नींद में ही ये रात ढल ना जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जाने कल न जाए। गिनती की है ये घड़ियां,
यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल। जब ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर तो फिर गुरु भी, और वो जो परम भी, वहां पर भी जाकर अंगूठा ही दिखाता है, अब जाओ फिर से नीचे, करा नहीं जो काम करने भेजा, अब जाओ नीचे, ऐसा नहीं करना। ये जो गिनती की घड़ियां हैं, इसमें से दो पल भी निकाल कर किसी को उठा दिया, चाहे उससे डांट ही खा ली, लेकिन उसको ये मार्ग तो देखिए आप, आज 1835 जीवात्माओं ने ये साधना करी है। दिव्य स्नान, सोच सकते हैं 5 दिन में ये मैजिक, 1835। इसके पीछे कब 00 लगता चला जाएगा पता नहीं लगेगा। और वो जो हमारा सबसे अनमोल खजाना था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, वो जो छीन लिया गया हमसे, वो सबके घर घर लौट आएगा। फिर आप देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त आता जाएगा और दवाई के डब्बे बाय बाय कह के जाते जाएंगे, शिकायतें जाती जाएंगी, रोना धोना गायब हो जाएगा, वापस परिवार समझ लेंगे कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। ये जितने भी और रिश्ते हम बनाते हैं, इन सब पे बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत। बाकी सबसे इतना प्रेम पूर्वक बात करते हैं, घर वालों से नहीं कर पाते। प्रबल पुण्य का उदय हुआ जो नर्तन हमने पाया, मात के गर्भ में आके हमने कितना कष्ट उठाया। अब ना धारण गर्भ करूंगा, ये बात रोज रात को बोल कर सोएं। कैसे करेंगे? रात को सबसे माफी मांगेंगे, सबको माफ कर देंगे, पूरी प्रकृति से शुक्राना करके सोएंगे, पलंग का शुक्राना करके सोएंगे, और हृदय से बोलेंगे जो भी मेरा ऋण है किसी से भी, हम उसको चुकाना चाहते हैं, गुरु मार्ग दिखाओ। और गुरु आपको ऐसा ऐसा मार्ग दिखाएंगे, ऐसा ऐसा मार्ग, जब हम हृदय से पुकार करते हैं, गजेंद्र मोक्ष की हमने सबने कथा सुनी, उसी समय प्रकट होते हैं, लेकिन भावना कितनी है। हर युग में मुझे रूप मिला, माया में बना रहा साकार। बहुत वस्त्र बदले हैं, अभी बन के आए हैं ये चोले में, बहन बेटी माँ, पता नहीं पिछले जन्म में आदमी थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, कहाँ थे कुछ नहीं याद। हर युग में मुझे रूप मिला, माया में बना रहा साकार, भगवान जो आए गुरु बन के, दिखलाया स्वरूप मेरा निराकार। जब गुरु आए, इसको भेजा भगवान ने, गुरु को बताया, अरे तू निराकार है, तू ही भगवान है, वह से भूमि, गल से गगन, वह से वायु, वह से अग्नि, न से नीर, क्यों भिखारी बना है, तू भगवान है। मैं मरने से मुक्त हुआ, मुझे अमर बनाया कलयुग में। मरने से मुक्त हो रहे हैं क्योंकि जन्म मरण के सारे बंधन से मुक्त। मैं मरने से मुक्त हुआ, मुझे अमर बनाया कलयुग में। कैसे बनते हैं अमर? बहुत आसान है, निष्काम भाव से जब किसी को कोई मार्ग दिखाते हैं, किसी को कोई सेवा देते हैं, तो उसके हृदय से बहुत दुआ निकलती है। हर चीज का उपचार हमारे शास्त्रों में था, हर चीज का उपचार। आपसे कर्म हो गया, आपको नहीं पता है क्यों इतना दुख आ रहा है जीवन में, हर जना ये बोलता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया। ये लाइन कितनी बार रिपीट करते हैं जीवन में, पता नहीं किसके कर्मों की। कोई कहता है नजर लग गई, कोई कहता है किसी की हाय लग गई, कोई कहता है किसी ऊपरी आत्मा ने हमें ढंग, अरे तुमसे बड़ी आत्मा कोई नहीं है ऊपरी, कोई ऊपरी ऊपरी आत्मा नहीं होती। अगर आपका
हर शक्तिशाली है, तो उसको बारिश, तूफान, बिजली कुछ भी नहीं तोड़ सकती, उसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब ये घर सशक्त तो साधना से ही होता है, स्वयं के विचार साधने से। और जो अलग अलग उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें एक उपाय है, जो भी आपके पास वैभव के रूप में धन दौलत आए, उसका दशानन, दसवां हिस्सा, जरूर किसी ना किसी की सेवा में लगाए, परित्याग करिए उसका, उसको अपने लिए ना यूज करिए। आपके घर में अगर 100 रुपए की भी कमाई आ रही है, तो वो कमाई बहुत बड़ी है अगर आप उसमें से दशानन निकाल रहे हैं। आपको नहीं पता वो कब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन हम फ्यूचर के बारे में इतना डरते हैं, कितना आज को जीते नहीं, जो कल पता नहीं आना है या नहीं आना, उसको संजो के रखते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करते, आज की श्वासों पे मेहनत करें, कल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा, फिर मांगना नहीं पड़ेगा। गीता का ज्ञान दिया मुझको गुरु ने अपने ही मुख से, अंदर से मुक्त किया मुझको माया के सुख और दुख से। गुरु आया, बोला अरे बड़ी भगवत गीता सुनाते हो, पढ़ते हो, और दुर्योधन को कैसे सोचते हो, कितना जजमेंटल होते हो, दुर्योधन के बारे में सोचते हो, सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले खोजो तुम्हारे भीतर दुर्योधन कहाँ है। दुर्योधन भी है, भीम भी है, अर्जुन भी है, भगवान भी है, तुम्हारे ऊपर है, तुमने किसको जीवंत किया और किसको अनदेखा कर दिया। मेरा जन्म तो पूर्ण हुआ, मुझे अर्जुन बनाया कलयुग में, मेरा जन्म तो पूर्ण हुआ, सारे शाम दाम भेद सब सिखा दिए गुरु ने, बिना बचे। डोरमैट नहीं बनना, स्वाभिमान से जीना है, बिना वजह से डरना नहीं, सैक्रिफाइस 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 का सचोला नहीं पहनना, सैक्रिफाइस करना है तो अपने अहंकार को सैक्रिफाइस करें, अहंकार स्वाभिमान को जागृत करें, तो जहां पे ना कहना है ना कहना आ जाएगा, जहां पे हाँ कहना है हाँ कहना आ जाएगा। और ये सारे इसके सारे गुण झोली भर भर के मिलते हैं सुबह ब्रह्मवेले में। ब्रह्मवेले में आपके अंदर की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्टेड होती है। मत सोइए, मत खोइए इस पल को, ऐसा ना हो ये किस दिन, कितने सारे दिन निकल गए, सोचिए, पता भी नहीं लगा कितने सारे दिन निकल गए। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हमने क्या नहीं देखा मुसाफिर किसको कहते हैं, थोड़ा सा घुमाइए अपनी नजर, देखिए कहाँ गए दादा दादी, देखिए कहाँ गए हमारे बुजुर्ग, देखिए कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हमारे साथ जन्म लिया था। कोई तो यंग अवस्था में ही चले गए, मुसाफिर ही तो हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो कर्म कर लीजिए दशानन। 16 अप्रैल को चंडीगढ़ में राजस्थान परिषद में आर्टिफिशियल लिम्स कैंप लग रहा है, तो भावना भीजिए, ना कोई मन से अपंग हो ना कोई तन से अपंग हो। अगर आप 5-6 दिन में इतना बड़ा खेल कर सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति प्रवाहित कर सकते हैं, सब आपका करा हुआ है और किसी ने नहीं करा। द मैजिक स्टार्ट्स फ्रॉम मी माई सेल्फ, हर जने को ये जानना है। अगर मैजिक मेरे द्वारा नहीं हो रहा तो वो बाहर से आएगा नहीं, बाहर से नहीं आएगा, मांगते रह जाएंगे, भगवान भी हम बदलते रहते हैं इस चक्कर में, नहीं होगा, नहीं होगा।
जितने भी रीति रिवाज है उनके ऊपर खोज करिए, मैसेजेस डालिए एंजल्स को, मैंने ये खोज करी इस रीति रिवाज के बारे में, मुझे ये वीडियो मिला, प्लीज इसको स्माइल में और सजा कर गुरु मुख से और दीजिए। ढूंढिए जितने भी रीति रिवाज हैं उनके पीछे, उनके भीतर, उनके गर्भ में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है, बहुत बड़ा। सोचिए उस समय में उन्हें प्रकृति का, ब्रह्मांड का सारा पता था, और ये पता था कि शरीर की 3 से लेकर 5 बजे तक सारी ऊर्जा लंग्स की तरफ डाइवर्टेड है। उस समय श्वासों पे काम कर लिया तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर जितने जितने प्राण दीर्घ होंगे उतने उतने दीर्घ आयु हो जाएंगे। दीर्घ आयु का मतलब कभी भी साल, 2 साल, 10 साल से नहीं है। दीर्घ मतलब जो आप पल जिएंगे उसमें गहराई होगी, आनंद होगा, चिंता नहीं होगी। बस फिर चिता पर एक ही बार जाएंगे, रोज रोज बार बार अपनी चिता स्वयं नहीं चलाएंगे विचारों से। कितना सुंदर शेयरिंग है, देखिए इट्स ब्यूटीफुल। सब लोग पुरुषार्थ करिए, शेयरिंग में कोई आलस ना करे, इतना बड़ा मैजिक शेयरिंग के द्वारा होता है, और फिर हम उसको आलस में करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमें आता नहीं करना। सब कुछ तो करना आता है हमें, जब कर ही वो परमात्मा रहा है तो क्या चीज हमने करनी। ये पोस्ट भी हुई होगी लेकिन समझिए क्या होता है ब्रह्म वेले। हरिओम। सभी के अंदर विराजित गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम, और हमारी बहुत ही मधुर मुस्कान वाली गुरु माँ को सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये शेयर करूंगी आज दिव्य स्नान से रिलेटेड, एक्चुअली दिव्य स्नान चैलेंज से रिलेटेड, क्योंकि दिव्य स्नान तो मैं पिछले 3-4 महीने से कर ही रही हूँ, सबसे शिवा की यात्रा भी करी है, और बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट दिस वन इज रियली रियली यूनिक एंड ब्यूटिफुल। मैं जब कॉलेज में थी तो आई स्टार्टेड राइटिंग, बहुत लंबे समय तक तो नहीं लिख पाई, बहुत छोटी छोटी चीजें ही लिखी, बहुत छोटी छोटी पोयम लिखी, बहुत लंबे समय तक नहीं लिख पाई, लेकिन थोड़े बहुत एफर्ट्स तब कर लेती थी, भाव आते थे। उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई कुछ फ्रेंड्स के कारण, और फिर बाद में तो शादी वादी हुई और लाइफ के चक्कर में आगे नहीं कुछ कर पाई। बाद अभी कुछ, जब से मैं स्माइल से जुड़ी हूँ तो मेरी फ्रेंड्स अबिता जी, रेखा जी मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है कि तुम लिखो रश्मि, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं कोशिश करके भी वो भाव नहीं लगा आ पा रही थी। सबसे शिवा की यात्रा के दौरान भी मैंने सोचा भाभी वॉल्यूम नहीं आ रही, एक बार चेक करिएगा। चक्कर में आगे नहीं कुछ कर पाई। बाद अभी कुछ, जब से मैं स्माइल से जुड़ी हूँ तो मेरी फ्रेंड्स अबिता जी, रेखा जी मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है कि तुम लिखो रश्मि, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं कोशिश करके भी वो भाव नहीं लगा आ पा रही थी। सबसे शिवा की यात्रा के दौरान भी मैंने सोचा कि शायद मैं अब अपनी क्रिएटिविटी को वापस से जागृत कर पाऊं, लेकिन नहीं हुआ। उस दिन गुरु माँ से साक्षात्कार हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करी और मेरे से ये मिस हो गया उनसे आशीर्वाद लेना कि प्लीज ब्लेस मी कि मैं कुछ दोबारा से शुरू कर पाऊँ, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर पाऊँ। बाद में मैंने है ना मन ही मन गुरु माँ से प्रार्थना करी कि माँ मैं आपसे शेयर तो नहीं कर पाई उस दिन आपसे, बट मैं आपसे अब आशीर्वाद ले रही हूँ। मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करके बोला कि प्लीज ब्लेस मी कि मैं लिख पाऊँ।
और उस दिन अचानक आधी रात में मेरे को दो लाइंस आई और सवेरे उठ के मैंने उन्हें पेन डाउन किया और बहुत अमेच्योर ही थी लेकिन मैं लिख पाई, मुझे बहुत खुशी है और ये मेरे लिए मैजिक से बिल्कुल कम नहीं है क्योंकि 27 इयर्स के बाद अपनी किसी पुरानी क्रिएटिविटी को और वो भी ऐसी जिसमें भाव की बहुत जरूरत होती है जागृत हो जाए, वो ये मैजिक से कम नहीं है मेरे लिए। तो बहुत 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 शुक्राना एंड आई होप कि मैं आगे, आप मुझे प्लीज ब्लेस करिए गुरु माँ कि मैं आगे कुछ और सुंदर सुंदर कुछ लिख पाऊँ। शुक्राना 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 इस शेयरिंग का, शुक्राना इस भावना का, शुक्राना। आप लोग सब लोग इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग देते हैं और कुछ शेयरिंग को अपने भीतर छुपा लेते हैं, पता नहीं क्यों, चलो निकल ही आएगी कभी ना कभी तो। लेकिन एक बात है, इतनी सारी शेयरिंग्स आ रही हैं तो कोई पिंक हार्ट भेज देता है, कोई शुक्राना लिख देता है, क्यों नहीं हम एक दो लाइन लिख सकते साथ में, आपकी शेयरिंग देखकर मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे आनंद आया, मुझे भी कोई मार्ग मिला। हम इतना समय इधर उधर खोते हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते? कितनी बार एंजल्स रिक्वेस्ट करती हैं सिर्फ हार्ट्स और शुक्राना मत लिखिए, शुक्राना और सिर झुकाना, भगवान के आगे सिर टेक टेक कर पता नहीं क्या क्या करते रहे। सिर इसलिए झुकाते थे क्योंकि वो साइंटिफिक लॉजिक था, मंदिर में जाकर जब हम सिर नीचे झुकाते हैं तो माथे से वहां की मैग्नेटिक कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। शुक्राना बोलने का बस एक ही तरीका है कि हम अपने भाव लिखें, हम किसी को मदद करें, हम चार जनों को ये बात बताएं, शुक्राना लिखकर काम नहीं खत्म करना है। शुक्राना हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारी दिव्यता बढ़ेगी उससे। आपको पता ही नहीं है कितना ही संपत्ति, कितना ही घर में वैभव सब कुछ मिल जाए, पर जब कोई दिल से बोलता है ना, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मुझे जिद करके वो ज्वाइन करा दिया, मेरा तो जीवन बदल गया, तो उसकी, उसके घर वालों की, सबकी, आपने उसकी स्क्रिप्ट बदलने में मदद कर दी, कितना बड़ा पुण्य करा है। इतना सा पुरुषार्थ करने में हम आलस कर जाते हैं। सेशन सुनते सुनते आप लोग की लिस्टें बननी चाहिए, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, हाँ आज मैं ये चार पांच जनों को बताऊंगी, अपना बताऊंगा अपना अनुभव, मुझे आराम मिला। सबको मिलना चाहिए, एक बीच में अनंत 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 घने जंगल पड़े हैं, पर उस बीज को रोपण तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीज हमारे रसोई में जैसे दालें पड़ी हैं वैसे पड़ा रहेगा और कोई भी कुकर में सीटी बजाएगा और खा जाए। समझिए उसको, कितना सुंदर शेयरिंग और साथ में जो उन्होंने लिखा। ब्रह्म मुहूर्त उठ, दिव्य स्नान तू कर ले बंदे, वरना तू पछताएगा, नहीं तो जीवन के इस अमृत पान से तू वंचित रह जाएगा। जीवन के इस अमृत पान से तू वंचित रह जाएगा। सुबह हमारे हरेक अंग के लिए, जो भीतर अंग लगातार काम करते हैं उनके लिए पौष्टिकता मिलती है, वो वीक होने बंद हो जाएंगे, दर्द शरीर से गायब हो जाएंगे, थायराइड, इंसुलिन, शुगर, जितने भी चीजें हैं, क्योंकि कॉस्मिक करंट बहने लगेगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा संजीवनी शक्ति हमारे शरीर में बहेगी और वो किसी भी चीज को हील कर सकती है, जो हम सेशन में और शेयरिंग्स में देख रहे हैं। नींद आलस्य जैसे अवगुणों को अगर ना दूर भगाएगा, नींद का चक्कर नहीं है, चक्कर है इस मोबाइल का, चक्कर है इंस्टाग्राम का, चक्कर है कि हम अपनी स्क्रीन से व्रत रखते हैं, चलिए स्क्रीन से रात को 7:30 बजे के बाद सबका व्रत शुरू हो गया और इम्पोर्टेंट बन जाइए, सबको पता लगे, बड़ा मजा आता है जब कोई बोलता है अरे आपको फोन किया था आपने तो उठाया नहीं, फिर जब बोलते हैं कि नहीं वो समय तो हम फोन को हाथ नहीं लगाते, तो बाद में सब ऐसे करते हैं फोन, आपको फोन कर ले आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, VIP बने अपनी लाइफ में, रात को नहीं देखना है। रात को जो हम
भोजन खा रहे हैं उससे भी जरूरी भोजन वो है जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। तो अगर हम कोई गलत वीडियो, कोई भी चीज इंस्टा पे ऐसी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, वो रात भर प्रोसेस हुएगी हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में आके रहेगी। इससे बेटर है हम अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं। पूरे दिन आपके पास फोन है, रखना शुरू करें व्रत फोन का, कि हमारा व्रत शुरू हो गया, अब हमारा फास्ट शुरू हो गया, अब हम फोन को नहीं हाथ लगाएंगे। इतना आनंद आ जाएगा जीवन में, सुबह फ्रेश उठेंगे, फिर जबरदस्ती उठना नहीं पड़ेगा कि अरे ब्रह्म मुहूर्त पे साधना हो रही है, उठ जाती हूँ। फिर तो ऐसे उछल के उठेंगे, अरे वाह दिव्य स्नान का समय हो गया। और एक चीज, अब तो 5-6 दिन हो गए उठते हुए, सुबह स्नान करिए। जो लोग करके बैठते हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं करते वो प्रयत्न करिए, आप देखेंगे आपकी साधना की ऊर्जा मेनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएगी। और एक चीज छोटी सी है, ठंडे पानी से स्नान करिए, आनंद आ जाएगा। योर स्किन इज गोइंग टू स्टार्ट बिकमिंग यंग, आपके स्टेम सेल ज्यादा बनने लग जाएंगे, आपको कोई भी स्किन का रोग नहीं होगा, आप ठंडे पानी से नहाएंगे, एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी। और उसका सबसे पहला मत अपनी नेवल पे डालना है, बैठना है, बैठ के स्नान करना है, सिर पे पानी नहीं लेना है, सबसे पहले ठंडा, सबसे पहले नेवल पे डालिए। नेवल से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे। उसके बाद पीठ पे डालिए, आपका मेरुदंड एक्टिवेट हो जाएगा, पूरे शरीर में करंट। हर सर्दी में भी आप पतला सा कॉटन का सूट पहनेंगे तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि भीतर का हीटर चालू हो जाएगा, जो टेम्परेचर में उसका थर्मोस्टेट खराब हो गया है, इसलिए जुखाम होता है, इसलिए खांसी होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। शरीर में इतनी दवाइयां पैदा हो रही हैं, हर वक्त शरीर को अपने आप को निरोगी रखना आता है। आलस्य जैसे अवगुणों को अगर न दूर पगाएगा, अमृत हार्मोन मेलाटोनिन का रसपान, मेलाटोनिन का रसपान फिर कैसे तू कर पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त दिव्य स्थान से जब जन्म को सफल बनाएगा, मिटेंगे जन्म जन्मों के रोग और तू एवर यंग बन जाएगा। एवर यंग किस किस को बनना है बताइए, एवर यंग, यस। ऐसा हो जाना चाहिए कुछ समय में कि कोई आप लोग कहीं जा रहे हो तो आपकी चाल को देखकर सब समझ जाए, अरे ये तो लगता है कोई स्माइल के, स्माइल सिटी के लोग हैं, इस तरीके से तो वही चल सकते हैं, इनको तो ना पहाड़ थकाता है, ना कोई और मार्ग थकाता है, ना बिजली डराती है, ना कोई नुकसान घबराता है, इनके चेहरे पे तो गुरु की स्माइल, मुस्कान का नूर हर पल, उससे मुस्कान से बड़ा कोई इत्र नहीं, कितना ही परफ्यूम लगा लीजिए, थोड़ा सा स्माइल करके देखिए किसी को, खासकर जो सब्जी वाले, फल वाले, सेवादारी, अरे उनको पूछिए 2 मिनट खड़े होके, और भैया आपके घर में सब ठीक है, फिर सब्जी का रेट पूछिए, फिर सब्जी खरीदी, आपके बच्चे ठीक हैं, आपके घर के बुजुर्ग ठीक हैं, आपके गांव में सब ठीक है, एक कनेक्शन बन जाएगा, उनके भीतर से इतना ज्यादा थकान उनकी दूर कर देंगे, उनकी थकान दूर कर दी तो ऋण मुक्त हो जाएंगे। 2-4 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम से। फिर भावतुल करिए, मैं नहीं बोल रही भावतुल मत करिए, पर पहले अपने आप को शीशे में देख कर जाइए कि आपका रुतबा भावतुल करने वाला है। देखिए इतनी परमात्मा की कृपा है, किसी रेड़ी खींचने वाले के घर में अगर 50 रुपए 100 रुपए फालतू चले भी गए तो बीज बन के अंकुरित होंगे, वो पैसा इतना मल्टीप्लाई होकर आएगा नहीं। और अपने लिए खासकर एक जो आदत हम सब लेडीज में होती है, उससे तो मुक्ति पानी ही है सबको, ये चीज खराब हो जाएगी इसको हम खा लेते हैं, आपके अंदर की मिक्सी खराब नहीं हुई, उसको ओवरलोड कर रहे हैं, नहीं, कोशिश करिए ताजा बनाएं, ताजा खाएं। 3 घंटे बाद हर अन्न तामसिक वृत्ति का हो जाता है, तामसिक। और आप देखेंगे अगर आप सिंपल खाने खाने लगेंगे, जैसे जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त की साधना करेंगे, आपका खाने के प्रति ये आसक्ति है, पेट को इतना नहीं चाहिए,
कितना है पेट, आपको पता भी है पेट का साइज क्या है, ये मुट्ठी भर इसमें कितना खाना जाएगा, क्योंकि हमारा खाने के पे ध्यान नहीं होता जब हम खाते हैं, इसलिए हम खाते चले जाते हैं। जब आपका ध्यान होगा, जब आप उससे बातें करके खाएंगे, तो बिल्कुल वो आधी रोटी में आपका पेट भर जाएगा, आधी रोटी, और एनर्जी दो रोटी खाने से भी ज्यादा रही, शरीर में थकावट नहीं आई। अगर आपका खाने के बाद मन करता है लेट जाएं, तो मतलब आपने शरीर पे ज्यादा बोझा दे दिया, वो चल नहीं सकता, उसको लेटने की जरूरत है। सिंपल चेकिंग पैरामीटर। ब्रह्म मुहूर्त दिव्य साधना से तू ब्रह्म से मिल पाएगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तेरे, धीरे धीरे तू ही खुद ब्रह्म बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म मुहूर्त उठ दिव्य स्नान तू कर ले बंदे, वरना तू पछताएगा, वरना तू पछताएगा। पछताना तो है ही नहीं, और किसी और को भी पछताने नहीं देना। तो लेंगे सब ये थोड़ा थोड़ा गुरु का वचन, अपनाएंगे कि अब से हम कुछ लिखा करेंगे, कोई मैसेज पोस्ट करेंगे, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे प्रेरणा दी, आनंद आया। आप कुछ लिखिए और आपके आपके लिखे हुए के नीचे कोई ऐसा लिखे, आपको कितना अच्छा लगे, महसूस करिए, दूसरे के हृदय की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करिए। खुशियां मिले ना खेत में, मिले ना हाट बाजार, खुशियां मिले ना खेत में, मिले ना हाट बाजार, भीतर जाके ढूंढ ले भरा परा भंडार, भीतर जाके खोज ले भरा परम भंडार। खुद के भीतर जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। रोग शरीर में रहना चाहिए नहीं। तो जो आर्टिफिशियल लिम्स स्कैम का बता रहे थे, जो कोई भी हमारे जीवन में रोग है शरीर में, एक जना जिसको बहुत ज्यादा अस्थमा था, बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी निवारण नहीं हो रहा था, तो बहुत तकलीफ थी। बाई चांस स्माइल से जुड़ना हुआ उनका, और शब्द से शिवा के, जैसे अभी उन्होंने शेयर किया, शब्द से शिवा में बहुत सारे मैजिक हुए। आप सब ब्रह्म वेले उठेंगे, साधना करेंगे, खुद ब खुद शब्द से शिवा में नंबर आ जाएगा, चक्रास जागृत होने लग जाएंगे, बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, फोन नहीं करने पड़ेंगे आप लोगों को बार बार। तो उन्होंने शब्द से शिवा की, और उसमें जब वो अपने पूर्व जन्म की यात्रा में गई, तो देखा कि एक जन्म में वो सपेरा थी। तो जो ये सब नेवला सांप इन सबको पकड़ती थी, तो इनको बंद कर देती थी, और ये ध्यान नहीं रहता था कि उनको वहां घुटन होगी जहां बंद करते, तो वो जब अंदर घुट जाते थे सर, तो वो बड़ी उनके दिल से पीड़ा निकलती थी, श्वास आता नहीं था। आप हमेशा देखेंगे जिस डब्बे में ये लोग लेके आते हैं सपेरे, उसमें जाली जाली सी होती है, कि वो बांस का बना हुआ था, हवा का इंतजाम होता है, पर समझ नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा अपने पूर्व जन्म में, एकदम से घबरा कर आदमी शेयर किया, फिर उनको बोला जाइए थोड़ा सा कौड़ियों के आश्रम में दान करके आइए, सेवा करके आइए, खाली पैसों से दान मत करिए, सेवा भी देकर आए। एक हफ्ते बाद दोबारा से पूर्व जन्म की यात्रा हुई, तो उन्होंने खुद देखा सर्प मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, प्रसन्न है, माफ कर चुके उन्हें। ऐसे ही हमारे जितने भी ये रीति रिवाज बने थे दान धर्म के, वो सब हमने जो कर्म जाने अनजाने कर दिए, हमें समझ नहीं थी। अब सपेरे का तो प्रोफेशन है ये, वो तो ये काम करेगा, लेकिन करुणा भाव से करेगा, अपनी जीव के लिए करेगा,
और ध्यान रखेगा जिसको पकड़ रहा है, तो नहीं बनेगा इतना बड़ा कर्ज। और उसमें से अगर देता रहेगा, जो भी कमाई करी उसमें से दशानन आपने दे दिया, तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब स्कैम जो है ये खाली चंडीगढ़ में नहीं लगेगा, अब तो स्माइल का परिवार हर सिटी में हो गया है। अपने सिटी वाले लोगों को इकट्ठा करिए, भावना डालिए, मीटिंग्स करिए। ये मत सोचिए कि उसका फंड कहां से आएगा, आई प्रॉमिस आप लोगों को तो पता भी नहीं लगेगा। बस भावना डालिए कि हमें भी लगाना है, ये हम भी अपने शहर में लगाएंगे। एंजल्स को मैसेज भेजिए, हम अपने शहर, जैसे गुरु मेहर आप देखिए घर घर होने लग गया, और इसका तो सारा का सारा खर्चा प्रकृति खुद भेजेगी सजाकर। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपके बच्चों के जीवन में, घर वालों के जीवन में। अपने जीवन से समय निकालना पड़ता है, और जहां हमारी रुचि होती है वहां हम निकाल लेते हैं, हम निकालना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कौन आएगा, कौन करेगा, किसी के पास उस समय, हम पहले ही स्टेप में छोड़ देते हैं। और गुरु बोलता है, बताता है बार बार, अरे तुम कभी भी डरो मत, कभी भी थको मत, क्योंकि तुम 40 मिलियन लोगों को ऑलरेडी हरा चुके हो। माँ के गर्भ में पहुंचने के वक्त तुम सबसे नंबर वन थे, बाकी सब रस्ते में रह गए थे, तो तुम तो वैसे ही जीत कर आ रहे हो। तब तो तुम्हारे पास ना हाथ थे, ना पैर थे, ना विद्या थी, ना ये औदा था, तब तुम जीत गए थे। तो जब ब्रह्म वेले साधना होगी और आपने डाल दिया मनोरथ, संकल्प डाल दिया, ये गुरु हम भी आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे शहर में भी हो रहा है, और ना कोई मन से अपंग रहे, ये तो गुरु ने हर वचन में हमें सिखा दिया करवाना, हम सबको मदद कर रहे हैं। अब हमें इस लायक भी बना दीजिए कि कोई तन से भी अपंग ना रहे, कोई तन से भी अपंग ना रहे। करेंगे हम ये सब पुरुषार्थ करेंगे, दिखाइए अंगूठे, दोनों अंगूठे लेकर बैठे हैं ना, या मटर छील रहे हैं अंगूठों से। और कभी वेट नहीं करनी किसी की, कभी नहीं वेट करनी कि वो जना बड़ा एक्टिव है, वो जना बोलेगा तो हम कर लेंगे। अहम ब्रह्मास्मि को भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। सबसे पहला कदम मेरा ही उठेगा ऐसे मानना है, सबसे पहला कदम। और आप देखेंगे, क्योंकि साधना में तो दृष्टांत आ चुका कि पूरी इंडिया में एक साथ इतने सारे आर्टिफिशियल लिम्ब स्कैम इकट्ठे लग रहे हैं, और फिर सबकी जूम मीटिंग करा रहे हैं जिन जिनको अंग प्राप्त हुए, और इतना सुंदर, और सारे देवी देवता वर्षा कर रहे हैं आशीर्वाद की कि अरे ये क्या सुंदर परिवार है, ये हर जगह सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड दिखा देता है, मैजिक, गुरु का मैजिक। ये संसार उसका पानी पलछन में उड़ जाता है, ये संसार उसका पानी पलछन में उड़ जाता है, तन छूटे धन किस काम का, तन छूटे धन कौन काम का, फिर पाछे पछताता है। कभी बैंक में भी एक चक्कर काट के आइए, आप देखेंगे, पूछिएगा वहां के मैनेजर से, वो बताएगा इस बैंक में बहुत सारे ऐसे लॉकर्स हैं जो लावारिस हैं, क्योंकि फ्यूचर की चिंता में बस इकट्ठा करते रहे, डर के घर वालों को भी नहीं बताया, और कब बुलावा आ गया, चलो बुलावा आया है, उस समय चाबी भी देने का समय नहीं था, तो रह गया भैया लॉक, अब कोई वाली वारिस है नहीं, सामान खोल नहीं सकते, वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही हमारे भीतर एक लॉकर है जिसमें बहुत सारा खजाना पड़ा है, बहुत सारा खजाना, जैसे उन्होंने अपना खोज लिया, अपने पैशन को, ये टैलेंट, ये परमात्मा की देन है, लिखने का टैलेंट खुद नहीं हम बनाते, देन है ये। ऐसे हम सबके भीतर कोई ना कोई टैलेंट
दबा पड़ा, हम भूल गए हैं उसको। जैसे जैसे हम ब्रह्म वेले उठेंगे, और सबसे ज्यादा जब हम उठाएंगे और लोगों को, आप देखेंगे खुद, रॉन्ग नंबर ही डायल कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, अरे गलती से उठ गए। अब हम साधना करें, आप भी कर लीजिए, तो डांट ही तो पड़ेगी। डांट सुनने की तो हम सबको प्रैक्टिस ही है, वो तो घर वालों ने इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराई हो, और किसी चीज की कराई हो ना कराई हो, हमें इस चीज की तो अच्छे से प्रैक्टिस है। पूरी दुनिया को जीत कर माँ बाप बच्चों से हार जाते हैं, बच्चों से हार जाते हैं, उनके आगे एक नहीं चलती, सारे लेक्चर्स वेस्ट हो जाते हैं बच्चों के आगे। तो जाग जाइए, उठ जाइए, गुरु आया है सबको जगाने। हाँ जी कीर्ति बोलिए, क्या बोलना है? हेलो, शुक्राना गुरु माँ, सहस्त्र कोटि प्रणाम आपको। मैं अभी अभी मेरे बच्चे को ट्यूशन लेने गई थी, तो मेरे अंदर ऐसा दो तीन दिनों से भाव आ रहा था कि मैं वो टीचर को बोलूं कि जो जो भी बच्चे आते हैं उसकी जो भी बेंच होती है ना, उसको 7 टाइम ओम करवाए। तो आज मेरा बच्चे का लास्ट डे था, तो मैंने बोला आज तो मुझे बोलना ही बोलना है, भले मेरे बीच में छूटे थोड़ा सा, पर मैं आज तो बोलूंगी, मानना ना मानना उनकी बात है। तो टीचर को मैंने अभी लाइव आपका भी दर्शन करवाया और उनको बोला, तो बस वो इतने हो गए कि अच्छा हुआ कि आपने हमें बताया। कि मैंने बोला ऐसे ही हम अपने बच्चों को सिखाए, आप गुरु हो तो आप सिखाओगे तो जल्दी से बच्चे कैचअप कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और उनको एक चीज और बताना, टीचर को बोलना आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना बच्चों पे, उससे 1/10 भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप बोलेंगे और बच्चों आप बोल रहे थे, मैं उनको इतना ही बोल के आए कि आप खुद रिजल्ट देखोगे उनमें, आप में भी, आपके घर में भी और उन बच्चों में भी, कि आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर कीर्ति, बस ऐसा ही पुरुषार्थ, छोटे छोटे कदम। फिर उनको क्या बोलना है, अब ये बात आप अपनी सहेली को बताइए, उनका तो टीचर्स का फ्रेंड्स होगा ही होगा। हाँ, बहुत बताइए उनको, बोलिए आप भी, बस हो गया शुक्राना, फिर इससे बड़ा कोई शुक्राना नहीं होता। और ये भाव आपने ही दिया गुरु मां, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत प्यार, बहुत आनंद आया था आपके साथ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ जी मोनिका ठकराल बोलिए। हरिओम गुरु मां। हरिओम हरिओम गुरु मां। हाँ जी गुरु, मैं आज मैं सुबह आपके दिव्य स्नान की शेयरिंग बताना चाहती हूँ कि गुरु माँ जब आपने सुबह बोला कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठी है, तो गुरु माँ मैं ज्ञान मुद्रा में बैठी और जो मेरे हाथ थे गुरु माँ खुद भी खुद खुलते गए, मुझे नहीं पता मेरे हाथ ऐसे बिल्कुल खुले, और उस टाइम पे खुलने के बाद मैं उसके बाद मेरे शोल्डर्स के ऊपर इतना बर्डन, और आपने कहा कि जब अग्नि प्रगट हो रही है शिवा जी के, तो गुरु माँ मेरे एकदम पसीना पसौन मेरे अंदर पूरा सेक निकलना शुरू हो गया, और उस टाइम भी मेरे हाथ ऐसे खुल रहे थे गुरु माँ, पता नहीं गुरु माँ क्या चमत्कार था आपने, मुझे कुछ नहीं समझ आया उस टाइम पे। ये गुरु माँ ये किस चीज के लिए? आपने शिवा को बस बोल दिया कि सब कुछ मुझे ही दे दो, मेरे ही दोनों हाथ खुले, सब कुछ बस आशीर्वाद सारा मुझे ही दे दो, बस पटा लिया शिव जी को गुरु माँ ऐसे हुए। हाँ, गुरु माँ एकदम अग्नि सेक निकलना शुरू हो गया मेरे बिल्कुल सारी बॉडी में, और बर्डन जो शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन मेरे लग रहा था उस टाइम पे, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, जब साधना खत्म होगी तो बिल्कुल सब ठीक हो चुका था। मैंने तो यही, अच्छा गुरु माँ आप मुझे बता सकते मेरे चक्रास ठीक है सारे? हाँ, मुझे पता था अभी ये बात आने वाली है चक्रास की, मुझे पता ही था पहले से ही कि अब चक्रास कैसे है ना? पहले कोई पहले अच्छा सा अपना एक्सपीरियंस लिखकर भेजेंगे स्माइल्स में, फिर बताएंगे। चक्रास तो मैंने रीड कर लिया आपके, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात है, ये जो अभी इन्होंने बोला ना कंधे हैवी हो गए थे, आप देखिए आप कभी कोई चीज उठाकर किसी को देते हैं ना, तो एक बार बहुत वजन लगता है देते समय हाथ में, और वजन बढ़ जाता है उस चीज का, पर आप जब दे देते हैं तो फिर वो लाइट हो जाता है। तो वो जो वजन हम अग्नि में जो हम जलाने वाले थे, जो सारे कर्मा शिवाग्नि में, और सोचिए तो सही शिवा की गोदी में खेले हैं आज सब बच्चे बनकर, कितना मजा आया होगा, कितना आनंदित उस समय, कितना भाग्यशाली था, कितना भाग्यशाली था कि गुरु ने हमें बालवत करके छोटा सा करके शिवा की गोदी में बिठा दिया, और शिव जी स्वयं
और ये बिल्कुल जीवंत है चीज, इसको बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं समझिएगा, जीवंत प्रत्यक्ष प्रमाणित। ब्रह्म वेले में आप जैसा अनुभव करेंगे 100% and 1000%, 100% नहीं 1000% वो पूरा होगा। तो इसलिए बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी पूजा वर्मा करिए, सोनिया इसके बाद आपको करेंगे। सोनिया हरिओम गुरु माँ। हरिओम गुरु माँ, मैं दिव्य स्नान करती हूँ ना, करते करते नींद आ जाती है मेरे को। मैं जब हमने योग निंद्रा किया था ना कल, तो मुझे लगा था कि आप तो लेट के करा रहे, पक्का ही नींद आ जाएगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी। मगर उसमें तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे। इतनी मैं फ्रेश होती थी ना, ये बताई थी एक्टिविटी बहुत ज्यादा, मगर वैसे नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, आपको मैंने सबको बताया है, जब से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ है अभी इन दिनों जो ये 21 दिन का चल रहा है, इसमें रात को भोजन 7 बजे से पहले पहले खा लीजिए और कोशिश करिए एक ही रोटी खाएं। आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी और रोटी ना खाए तो और भी अच्छा। हाँ जी, एक मैंने अब सबसे शिवा किया ना, पहले जो मैं साधना करती थी ना, तो पहले यह था कि जो एंजल ने मुझे दिया हुआ है मुझे ये करना है, मगर अब मैं जो साधना करती हूँ ना उससे मुझे पूरी बॉडी इतनी फील होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि किससे मैं पूछूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरी बॉडी में पावर भर जाती है और मतलब कि ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। अरे कितनी क्यूट हो तुम, एक तरफ बता रही हो मैंने शब्द से शिवा किया और पूरी बॉडी में तो फील होगा क्योंकि अब शिवा प्रकट हो गया है। शब्द शिवा की यात्रा किसी भाग्यशाली को मिलती है और जो उसमें हमें रोम रोम का अनुभव होता है, तो हमारे रोम रोम में लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ कर्माज हैं, वो सारे अब हम देख सकते हैं तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। उतना ही शव हटता चला जाता है, शिवा प्रकट हो जाता है। बहुत, कितने लोगों को उठाया ब्रह्म मुहूर्त के लिए? 2 जनों को बस, इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की, 2 जनों को उठा रहा है बस। ऐसे बोलते हैं ना गुरु माँ की, फिर अंदर तो बुढ़ापा आ गया अभी से। हाँ बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। बोलने दो ना, हमें किसी को मना नहीं करना, बोलना हाँ हम बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हारा अपना एनर्जी थोड़े दिन में जो जो तुम करोगी वो अपने आप बता देगा। अब सब वही लोग आके बोलेंगे अरे अब तो हमें तुम्हारे जैसा बनना है, पर वो बीच का समय वो हमें सुनना होगा और उसमें हमें अपना भाव नहीं खोना है। ये तो ये मार्ग ऐसा ही है, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही है? बड़े आराम से सबने बोला करो 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 करो, बहुत मजाक उड़ाया सबने, सारी फ्रेंड्स ने, सारे कजिन्स ने, सबने उड़ाया। उनका हक बनता है, जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं वो मजाक उड़ाएगा, उसने टेस्ट कभी चखा नहीं उसको क्या पता, उससे डरना नहीं है। हमें अपने कर्म को करना है, हमें अपने कर्म, कोई भी ना डरे इस बात से कि सब क्या बोलेंगे। इतना कुछ सबने बोला आज तक, अब तो गुरु ने जीना सिखाया है और एक फोन हमारे हजारों कर्मों से मुक्ति दिलाए, तो हमें हर्ष क्या है? यही तो सुनना है कि आप बूढ़े हो गए, अच्छा ठीक है जैसी आपकी मर्जी, मेरा फर्ज था, मुझे आनंद आया तो मैंने सोचा आपको बताओ, आपके ऊपर है बस इतना सा। और आप ये मैजिक तो देखेंगे, खुद ही तुम शेयर करोगी, ये तो मैजिक हो गया। अब तो सब लोग बोल रहे हैं अरे थैंक यू शुक्राना शुक्राना, तुम्हारी वजह से हमें साधना मिल गई। एक केले, केला भी घर में आता है ना तो छिलके समेत नहीं खाया जाता, उसको छिलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही साधना को भी देने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ जी सोनिया करिए अनम्यूट, लव यू डियर। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ नमस्कार जी। गुरु माँ ये मेरी मम्मा है, एक बार आपसे आपको प्रणाम करना चाहती थी। गुरु माँ एक क्वेश्चन था, बड़े दिनों से मन में आ रहा था, अभी भी आपसे प्रार्थना कर रही थी कि अगर आप चाहते हो कि ये मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे अनम्यूट जरूर करेंगे, और उसी सेकंड आपने मेरा नाम ले लिया। गुरु माँ एक क्वेश्चन है मुझे, मैं जब भी सुबह साधना में बैठती हूँ मुझे विजुलाइज नहीं होता कुछ भी। हाँ, और क्या होता है शरीर में? पेन होती थी, पर जिस दिन आपने मुझे हील किया मुझे पेन नहीं हुई उसके बाद। गुरुमा कल मैं 24 आवर्स की जर्नी करके आई हूँ, अमृतसर बच्चे को माथा टिकवाने गए थे, उसके बाद भी मेरी भाभी हैं और सिस्टर मतलब मिली हुई है, जिनको जोड़ा था मैंने, नीरू भावा है, उसने मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया और मैं उठ गई गुरुमा। मतलब हम लोग रात को 12 बजे आए, 24 घंटे लगातार जर्नी करके फिर भी मैं उठी। कल सुबह की साधना मैंने कार में की गुरुमा, लुधियाना से अमृतसर की जर्नी मैंने मतलब वो मैंने कार में साधना की। मुझे विजुलाइज नहीं होता गुरुमा, जैसे आप कभी कहते हैं क्या सोनिया हो ना?
हाँ जी गुरु माँ, हाँ जी। अच्छा अब बताना कि मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनना जी। जो मैं तृण चरणम विचरण कांचन, बताओ क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया, बताओ ध्यान से सुनो। नहीं समझ आया गुरु माँ। समझ आना चाहिए, मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम्हें ये भाषा नहीं आती। भाषा समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कानों ने सुना नहीं, बस तुम उस भाषा को समझ नहीं पाए। तो जैसे ही हम साधना करते हैं तो किसी को की देखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसको कुछ कुछ दिख जाता है, लेकिन किसी की पावर होती है काइनेस्थेटिक, उसके शरीर में जो तरंगे होती हैं, जैसे हमारे पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग भाषा है ना, हिंदुस्तान की हिंदी है तो कहीं और की फ्रेंच है तो जर्मन है, तो हमें वो भाषा बोल रहे हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी साधना नहीं हो रही है, हमारे अंदर वो अनुभव नहीं आ रहे, वो आएंगे, हो सकता है कुछ समय के और बाद लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु माँ जैसे आप कहते हैं कि एक गुफा है, गुफा में सोचो आप जा रहे हो, तो मैं बस आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कुछ अनुभव आप नहीं। सुनते हो ना कि गुफा हाँ है, जी, हाँ जी। ना तो बस आपने अपने सोच में गुरु को जोड़ लेना है कि मुझे गुफा दिख रही है, जो भी है, अगर हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके हर वचन पे हमारे मुख से निकलता है कि हमें दिख रहा है। जैसे जैसे आप ये बात बोलोगे आपकी अनुभूतियां और स्ट्रांग होने लग जाएंगी। देखकर कोई बहुत बड़े लड्डू नहीं मिलते, अपने जीवन में परिवर्तन देखना है। अभी परिवर्तन तो तुमने खुद ही एक्सप्रेस किया है कि मैं पूरे दिन ट्रैवल करके आई फिर भी मैं 4 बजे उठ गई, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हमारी ऊर्जा बढ़ रही है ना। पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता था गुरु माँ, मैं 2 दिन करती थी छोड़ देती थी, पर 21 दिन के संकल्प में तो मेरा आपकी कृपा से अभी तक रोज हो रहा है, और मैं चाहती हूँ ये जिंदगी में दोबारा ना छूटे कभी भी। बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, अगर हमने पुरुषार्थ की ओर 10 जनों को उठाया फिर कभी नहीं छूटेगा, फिर कभी नहीं छूटेगा। उनको शेयरिंग्स की वीडियोस भेजिए, मोटिवेट करिए, हमें अगर हमें कुछ मिला है बढ़िया तो हमारा फर्ज बनता है कि पूरे संसार को मिले, पूरा विश्व ही हो, और ये तो हमारे भारत की बहुत बड़ी दौलत है, ये तो सबको मिलनी ही चाहिए। समझिए, एक काम सब लोग करिए, रात के भोजन को हल्का कर दीजिए, सूर्य अस्त होने के बाद मत खाइए, आप ब्रह्म वेले के मैजिक मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके जीवन में, कोशिश तो करके देखिए, और जो जो ऐसा करे वो जरूर लिखे ग्रुप में, मैंने आज भोजन जल्दी खाया, फिर उसका जो चेंज आया वो भी लिखे, आप देखेंगे जैसे ये 1835 हो गए ऐसे ही उसमें भी लोग फटाफट आपकी बात सुनकर अनुभव करने लग जाएंगे, आपने फिर प्रेरणा दी, आप प्रेरणा के स्रोत बनिए, हमें मांगना नहीं है, अब हमें देने वाला देते जाएं, इसको भी बांटे, उसको भी बांटे, ऐसा होना है तो सारी जगह हमारी प्राण ऊर्जा फैल जाएगी, बस आनंद ही आनंद बरसने लगेगा। और हां जी बीना जी अनम्यूट करें। नमस्कार गुरुमा। नमस्कार, आपका तो मैं माँ क्या ही बताऊं, बहुत कुछ दिया आपने, मेरे ब्लेसिंग चाहिए छोटी बहू के लिए, बच्चे 4 साल हो गए दोनों बच्चों के, बच्चा नहीं है तो छोटे वाले ट्राई में बढ़ेंगे, तो आपको पता है आपकी कृपा से देखो बिल्कुल ठीक हो गया माँ, आज कार्डियो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया आपके आशीर्वाद से। अरे वाह, शुक्राना। बहू कैंसर की हॉस्पिटल में डॉक्टर कैंसर की बनी है वो। अरे तो अब ये ब्लेसिंग चाह रही हूँ आपसे कि बहू की गोद भर जाए जल्दी। तो आप एंजल से मेडिटेशन लीजिए। चलो ये कर लूंगे। एक माँ मेरी भाभी आपके ग्रुप से मैंने जोड़ा हुआ, भाई कोविड में चले गए थे तो उनके एक ही बेटा है, तो 6 महीने से नौकरी छूट गई उसकी। ये जो बीना जी ये सारी जो बातें हैं ना ये अपनी एंजल से करिए है ना, फिर वो अगर आपको कोई भी जरूरत होगी पूरा गाइड करेंगी है ना। और अगर मैं आपसे बस आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मेरे पे बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, बस बहुओं के लिए गोद भर जाए, बच्चे तो दोनों आपके आशीर्वाद से देखो इतने बड़े डॉक्टर बने हो US से मैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत सबकी गोद भरे, अब बस ये चाहते हैं बहुओं की गोद भर जाए। बिल्कुल, आप लड्डू के ऑर्डर कर दीजिए बस। नेक्स्ट जने की बारी आ गई। हां जी कला बोलिए।
अनम्यूट अनम्यूट अच्छा हरिओम गुरुमा हरिओम आपकी आवाज आ रही है गुरुमा? हाँ आ रही है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी गुरुमा, बस मैंने ना वो संडे को वो किया जो आसन किया ना वो योग निद्रा, हाँ उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा। वैसे तो मेरे को 3 महीने से मेरे थोड़े दर्द पेन पूर्ण स्वेलिंग थी काफी। अब मैं जब से ये कोर्स कर रही हूँ 21 दिन का कर रही हूँ ना, ये 4-5 दिन में ही मेरी सारी स्वेलिंग उतर गई गुरुमा। मैं इतनी खुश हूँ, और मैं 3 महीने से दवाई खा रही थी, अब बिल्कुल कोई दवाई नहीं खा रही, एक देसी दवाई ले रही हूँ बस लैची वाली, और कुछ नहीं ले रही, और इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, और मेरा पूरा परिवार बड़ा खुश है। मैं रोज सवेरे उठ के करती हूँ, मेरा बेटा आता है और 4 बजे जाता है कई बारी, कहता मम्मी ये रोज साधना कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हो, मैं कहा बेटा आपके लिए कर रही हूँ, सब बच्चों के लिए कर रही हूँ, और बच्चे भी इतने खुश हैं। और गुरुमा जब भी आप सेशन में होते हो इतने अच्छे अच्छे भाव आते हैं मन में, इतने बहुत खुश होते हैं हम, अच्छे विचार इतने आने लग जाते हैं, ऐसे लगता है आपके मन में आपके मुंह से जैसे फूल गिर रहे हैं, ऐसे बोलते हो आप गुरुमा, साडा मन इतना जीत लिया आपने बता नहीं सकती मैं। अरे वाह, आपका मन जीत गया तो कमाल हो गई, तो बहुत बड़ी कमाल हो गई। अब आपने सबका मन जीतना है। देखिए कितनी सुंदर शेयरिंग है, 3 महीने से दवाइयां खा रहे थे, स्वेलिंग नहीं उतर रही थी, 5 दिन में ये चमत्कार। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है चमत्कार सब तक पहुंचे? बार बार गुरु याद दिला रहा है, और ये कर्मों से मुक्त होने का रास्ता है। सब लोग अपने अपने ग्रुप में जरूर मैसेज डालेंगे कि हम भी आर्टिफिशियल लिम्स कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं हम पुरुषार्थ। कोई ये ना सोचे कि आपको पैसा लगाना है, ये बात मैं बता रही हूँ। पैसे की अगर शुद्धि करनी है तो जरूर आप इन्वॉल्व होइएगा, लेकिन सेवा तो दे सकते हैं, मनोरथ तो डाल सकते हैं, भावना तो डाल सकते हैं। फिर ग्रुप बनाइए, मीटिंग करिए, 1 जने को दीजिए, 10 जने के लिए माध्यम बनिए, 10 जने से 100 जनों के माध्यम बनेंगे। कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, और ब्रह्म वेले के लिए जितना फोन कर सके बताइएगा इनकी शेयरिंग, जो जो लोग शेयर कर रहे हैं उनकी शेयरिंग्स बताइएगा, अच्छे से बताइएगा आप सबके अंदर बैठे। और अब जो हार्ट भेजेगा और शुक्राना लिखेगा उसको पर्सनल कॉल मैं करूंगी, नहीं करना है कुछ ना कुछ लिखना है। गुरु की, गुरु को नहीं मानना, गुरु हम सब अपने स्वयं गुरु हैं, गुरु की माननी है, उनके आचरण को फॉलो करना है। शुक्राना।